Hey guys, welcome you all once again in the Majdar session of Education Planet, and I am back with the new topic, new lesson, fiber to fabric, animals fiber. And because every child is very important for us, yeah, very important for me. So we all teachers, me, Samirul Nishad and Wasim sir for English, we are providing quality education in the lockdown period. अभी सारा कुछ है, कोरोना वायरस को लेकर, COVID-19 को लेकर बंद है, बट हमारा जो एजुकेशन का प्लान है वो कभी बंद नहीं हो सकता है. सो गाइज, हम लोग के साथ साथ, टीचर के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है. और यहाँ पास हमारी नई टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, एनिमल्स फाइबर. एक बार रिमाइंड करा दूं कि क्लास 6, 7, 8 में आपको पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक, और 6th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फाइबर. मीन्स जो भी बच्चे क्लास 6 के होते हैं तो 6th क्लास में पढ़ाना पड़ता है प्लांट फाइबर, 7th में एनिमल फाइबर, और जब अगले साल आप 8th में जाओगे, क्योंकि आप 7th के लिए वीडियो पर्टिकुलरली है, ऐसे बाकी बच्चे देख सकते हैं लेकिन ये मेरा जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है. तो 8th में जब आप जाएंगे पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर. मीन्स क्या किया सीबीएसई बोर्ड ने कि टॉपिक को बांट दिया है कि 6th में पढ़ाओ प्लांट, 7th में पढ़ाओ एनिमल फाइबर और 8th में पढ़ाओ सिंथेटिक फाइबर. सो गाइज, stay tuned with me for more coming video, and please like and subscribe my channel, YouTube channel Education Planet, so that for every passing day, means ki just days are passing, you become more bigger, a stronger and a smarter students. So one very good news for you, that along with the science I am also very soon starting the topic of maths. So please like and subscribe. Now we are going to start our chapter. फाइबर, तो फाइबर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में. फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर और सेकंड है मैनमेड फाइबर. नेचुरल फाइबर को बांटते हैं तीन पार्ट में, वेजिटेबल फाइबर मीन्स ऑल्सो कॉल्ड प्लांट फाइबर. देखिए हमारा क्या है कि हमने पहले फाइबर को दो पार्ट में बांटा, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, मीन्स जो फाइबर हमें नेचर से मिलता है, मीन्स वी गेट फ्रॉम प्लांट सोर्सेस, वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. एंड फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, जिस फाइबर को आप केमिकल प्रोसेस से इंडस्ट्री में बनाओगे उसे बोलते हैं मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर. इसमें पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, रेयन है, एक एग्जांपल नायलॉन है. आपने जानते हो नायलॉन क्यों नाम है, NY से न्यूयॉर्क, LON से लंडन. मीन्स ये जो फाइबर है फर्स्ट टाइम खोजा गया, दो लोगों ने खोजा और वो थे, एक थे न्यूयॉर्क के, एक थे लंडन के, तो नाम पड़ गया नायलॉन फाइबर. तो इसका भी कुछ फीचर है, उसको पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में. यहाँ इस चैप्टर में जो सबसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम्स में आएगा वो है फर्स्ट आपका, हाउ वी गेट सिल्क एंड वूल. मैंने पहले बोला कि आप जब क्लास 6 में थे तो 6 क्लास में आपको पढ़ना था प्लांट फाइबर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मे बी इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. आप लोग हमेशा बोलते हो सर हमें ऐसा पढ़ाओ जो एग्जाम में काम दे. तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट होता है कॉटन, जूट और हेम्प. मीन्स ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कॉटन है और जूट है, जो हमने पढ़ा है. मे बी रिविजन क्लास में पूछ सकता है. 7 में आपको क्लास में पढ़ना है एनिमल में सिल्क और वूल, और इसमें मैं 100% बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे आप जो भी स्कूल में हो, कि हाउ वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग वूल फ्रॉम सिल्क. इसमें 5-6 स्टेप्स है, उसे पढ़ेंगे हम लोग. और ये क्वेश्चन प्लीज गाइज स्टूडेंट्स आप कम्प्लीट कर लें, आपके एग्जाम में 100% ये काम देगा, आप इसे छोड़ने नहीं, इसे कम्प्लीट करना है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनमेड फाइबर, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयन, नायलॉन. इसका भी कुछ फीचर है, चीप है, क्या है, ये हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक्स. अवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग. तो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, मीन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा वी हैव इन द समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स आर वेरी कम्फर्टेबल फॉर समर सीजन, दे एब्जॉर्ब स्वेट. एंड वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन. ये भी आपका कन्फर्म क्वेश्चन है कि वाई वी वेयर वूलन क्लोथ्स, बिकॉज वूलन क्लोथ्स हैज सम स्पेस. वूलन क्लोथ्स में कुछ स्पेस होता है और उन स्पेस में एयर ट्रैप हो जाता है. आप जब भी ऊनी कपड़ा पहनते हो तो ऊनी कपड़ा में कुछ जगह होता है और उन जगह में एयर ट्रैप हो जाएगा, एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट विच क्रिएट इंसुलेटिंग बैरियर. तो वूलन कपड़ा पहनने से गर्मी हम लोग को नहीं लगता है, वूलन कपड़े के बीच में स्पेस होता है, स्पेस में एयर ट्रैप होगा, एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है. और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पास हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग, मीन्स वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू seasons, means in the rainy season we use gum boots, umbrellas, raincoats, in the summer season we use cotton clothes, in the winter season we can wear woolen clothes. Next topic is natural fiber. तो हमने बात किया था कि we classify natural fiber in two category, plant and animals. Fiber that we get from plants are called plant fibers, example cotton, jute, hemp, and fiber that we get from animals are called animal fibers. So यहाँ दो कैटेगरी में हमने बांटा है, एक है प्लांट फाइबर, एक है एनिमल फाइबर.
So natural fiber is categorized in two categories, plant fiber and animal fiber. Fiber that we get from animals are called animal fiber. ये मिला के मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. और we get animal fiber especially from seed. और भी animals से आपको मिलेगी. Means we can also get from goat, yak, camel, rabbit. Goat means Angora goat, जो आपकी mountain goats होगी. So सिल्क इज प्रोड्यूस बाय कोकिन. मीन्स एनिमल में दो आपका पता है आपको होता है, एक है एनिमल्स में फ्रॉम एनिमल्स और एक है सिल्क वॉर्म से जिसको होता है रेशम का कीड़ा दैट फीड ऑन द मलबरी लीव्स. तो यहाँ हम लोग डिटेल में बात करेंगे. एनिमल फाइबर्स आर मेनली प्रोटीन. आपको पता है प्लांट फाइबर में सेलुलोज होता है और एनिमल्स फाइबर में प्रोटीन होगा. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी. नेक्स्ट वन इज प्लांट फाइबर. फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स. फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट वी गेट प्लांट फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, फ्लैक्स. फ्रॉम फ्लैक्स मीन्स लिनन की वी गेट लिनन फाइबर फ्रॉम फ्लैक्स. वेरी कंफर्टेबल क्लोथ, काफी कॉस्टली मिलता है, अच्छा होता है. एंड हेम्प, जूट एक्सेट्रा. द बेस पार्ट ऑफ प्लांट फाइबर इज सेलुलोज. हमने बताया कि मेन डिफरेंस है कि एनिमल फाइबर्स में प्रोटीन होता है और प्लांट फाइबर में सेलुलोज होगा. विच इज द मटेरियल यूज एज ए बेसिस स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द प्लांट फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री. ये आपका क्लास एट में पढ़ना है टॉपिक कि फाइबर्स डेट वी प्रिपेयर यूजिंग केमिकल्स इन द इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, टेरिलिन एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज वूल. हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास सेवंथ में एनिमल फाइबर से और उसमें हमारा पहला है वूल. Wool is an animal fiber. It is present as a thick coat of hair on the body of animals and keep the warm. Wool जो है animals के body पे होता है एक thick coat के जैसा और animals को warm रखता है. Air gets trapped. मैंने पहले बोला था आपको कि जो wool है उसके बीच में space होगा, means जो sheep होते हैं तो sheep का जो long hair होता है उसे coat बोलते हैं और उन coats में air trap होता है between the and hair does not allow the body heat to escape. Air is the bad conductor. यहाँ पर एक line miss है book में, आप याद रखेंगे, book में थोड़ा कम है कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो है बैड कंडक्टर हीट का, विच क्रिएट इंसुलेटिंग बैरियर्स एंड कीप द बॉडी वार्म. दैट इज वाई यू वियर वुलन क्लोथ इन विंटर. ये आप गाइस मान के चलो कि ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, यहां से क्वेश्चन आएगा कि वाई वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर. आप रीजन लिख देना. वूल फाइबर्स हैव ए यूनिक पावर टू एब्जॉर्ब एंड गिव ऑफ द मॉइस्चर. वूल फाइबर में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप वूल कैसे प्राप्त करेंगे या हाउ कैन वी ऑप्टेन वूल फ्रॉम शीप. आप शीप से वूल कैसे प्राप्त करेंगे, इसका 5-6 स्टेप है. फर्स्ट वन इज शियरिंग बोलते हैं कि अ शीप हेयरी कोट हैज टू टाइप ऑफ फाइबर्स. फ्रॉम शीप आप कैसे प्राप्त करोगे, तो शीप के बॉडी में दो तरह का हेयर है. फर्स्ट वन इज कोर्स बियर्ड हेयर एंड सॉफ्ट अंडर हेयर. मीन्स एक भेड़ में दो तरह का वूल होगा. एक वूल को बोलते हैं कोर्स बियर्ड हेयर. कोर्स मतलब थोड़ा जो बोलते हैं रफ टाइप का होता है और एक होता है सॉफ्ट अंडर हेयर. जो ऊपर के जो बाल होते हैं, मीन्स आपको जो बाल पैर के पास होगा नीचे में, तो वो जो बाल है हमेशा कीचड़ में गंदा होता है, तो वहां से जो हेयर मिलेगा वो आपका कोर्स होगा. लेकिन जो सॉफ्ट होता है पार्ट वो होता है अंडर हेयर. मीन्स की पेट के नीचे वो पार्ट जो अक्सर मिट्टी में टच नहीं होता है. तो वी गेट टू टाइप ऑफ हेयर फाउंड क्लोज टू स्किन. इट इज द सॉफ्ट अंडर हेयर डैट यूज टू मेक वूल. तो हम लोग शीप में दो तरह का हेयर है, एक कोर्स भी है एक सॉफ्ट भी है, और हम लोग वूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट हेयर का. साइंटिस्ट है डेवलप सर्टन ब्रीड्स ऑफ शीप दैट हैव ओनली द सॉफ्ट अंडर हेयर. हमारे साइंटिस्ट ने शीप का क्लोनिंग किया, शीप का ब्रीड तैयार किया. ब्रीड मीन्स की मैचिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट डिजायर या अकॉर्डिंग टू डिजायर, कि आप दो पेरेंट्स का मेल फीमेल का मैचिंग करेंगे अपने हिसाब से कि आपको क्या चाहिए कंडीशन. तो साइंटिस्ट ने शीप का ब्रीड तैयार किया है जिसके पास केवल होता है सॉफ्ट अंडर हेयर. द वूल फ्रॉम डिफरेंट वराइटी ऑफ शीप डिफर इन फाइनेस. की जो अलग अलग आपको शीप से वूल मिलेगी उनकी क्वालिटी, साइन, लेंथ, स्ट्रेंथ सब अंतर होगा. द फाइनेस्ट वूल इज ऑप्टेन. जो सबसे अच्छा ऊन हम लोग मानते हैं वो होता है मेरिनो शीप का. अ ब्रीड ऑफ शीप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन. ये जो शीप है वो स्पेन की है. देयर वूल इज वेरी सॉफ्ट एंड लाइट. इन जो मेरिनो शीप होती है उनका जो वूल होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, काफी मुलायम होगा, लाइट वेट. मीन्स अगर वुलन क्लोथ आप पहनते भी हैं तो वो ज्यादा भारी नहीं होगा. और यूज इन मेकिंग द फाइनेस्ट वूल क्लोथ. तो जो कपड़ा बनता है महंगा कपड़ा होता है जो, वो बनता है मेरिनो शीप से. इन इंडिया भारत में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे हम लोग शीप का रियरिंग करते हैं, शीप को पालते हैं. जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा, गुजरात. और अराउंड द वर्ल्ड शीप आर रियर्ड इन कंट्री रेंजिंग फ्रॉम द हॉट डिजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आपके इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में भी शीप को पालते हैं. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, याद कर लेंगे. यहाँ पे नाम है ब्रीड का लोही शीप है, तो लोही शीप से बनाते हैं कारपेट. और
पठानवाड़ी, मरवाड़ी, बाकरवाल, नाली, ये कुछ शीप का नाम है डिफरेंट ब्रीड का और इनसे क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं हाउ वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप। वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स की हम लोग का जो मेन है एनिमल वो है शीप और शीप के अलावा भी हम लोग डिफरेंट एनिमल्स से वूल ऑब्टेन करते हैं। कैमल्स है, ललामा है, अल्पासा है। तो अल्पासा, लामा एंड कैमल हेयर आर यार्न स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स है जिनसे आपको वूल मिल सकता है। दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेट। ये जो फाइबर्स हैं सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं, लाइट वेट होंगे। कैश्मीर इज एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड इजी टू डाई फाइबर। आपका कैश्मीर भी प्रजाति है कॉट में जो आपको वूल प्रोवाइड करेगी। दिस रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर इज कॉम्ड वंस अ ईयर फ्रॉम द बेलीज ऑफ द कैश्मीर एंड अदर गॉट्स। बकरी की प्रजाति है तो इससे आपको वूल मिलता है। अंगूरा वूल इज मेनली ऑप्टेन फ्रॉम द अंगूरा रैबिट। एक खरगोश का नाम है अंगूरा रैबिट, आपने अक्सर देखा होगा स्कूल के मफलर पे लिखा रहता है अंगूरा मफलर कंपनी में। तो अंगूरा जो आपका ब्रांड है या जो आपका मटेरियल है वो मिलता है अंगूरा रैबिट से। ये भी आपका एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी और वार्म होता है। और अंगूरा रैबिट जो है वो ओरिजिनली वहां पे हैबिटेट है अंकारा रीजन ऑफ तुर्की से है। मोहेर स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अंगूरा गॉट। एक बकरी भी है, आप याद रखेंगे कि अंगूरा गॉट की प्रजाति मैंने वीडियो के शुरू में बोला था और अंगूरा रैबिट भी है। उसके बाद है द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गॉट। एक बकरी है कश्मीरी गॉट, तो उससे भी आपको मिलता है फाइन एंड सॉफ्ट वून। तो इसमें मेनली बोला गया कि सबसे मेन एनिमल हमारा शीप है और शीप के अलावा हम लोग ऑप्टेन करते हैं वूल को कैमल से, याक से, अल्पासा से, ललामा से, कैमल से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप इसे समझ लें कि आपके लिए सबसे मेन अभी तक के टॉपिक में है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल की हाउ यू ऑप्टेन वूल फ्रॉम शीप। आप शीप से कैसे वूल को ऑप्टेन करोगे, तो इसका फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। आपने नाम सुना होगा ट्रिमिंग करने का कि आजकल शेविंग करते हैं लोग ट्रिमर से। बस आप एक ट्रिमर मशीन लो और शीप के हेयर को काटिए, इसी को बोलते हैं शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एन एनिमल। जब आप एनिमल के हेयर को ट्रिम करेंगे तो इस प्रोसेस का नाम दिया गया है शेयरिंग। एक और गाइड बता दूं कि जब भी आप शेयरिंग करोगे आप करना समर टाइम में, क्योंकि जो आपकी शीप है अगर आप शेयरिंग विंटर में कर दोगे तो वो जो है ठंड से मर जाएगी। तो शेयरिंग इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ समर, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है तो गर्मी के शुरू में ही हम लोग एनिमल्स के हेयर को शेयरिंग करते हैं। शीप आर यूजुअली शॉर्ट, ये लिखा आपको कि समर सीजन में करते हैं। शेयरिंग इज डन विथ अ मैनुअल रेजर एंड ब्लेड और विथ अ स्पेशल क्लिपर्स। आजकल स्पेशल क्लिपर्स आ गया, ट्रिमर आ गया है, पहले सीजर इस्तेमाल करते हैं कैची का। जस्ट एज हेयर कट डज नॉट हर्ट, जिस तरह से हम लोग जब सलून जाते हैं हम लोग और सलून जाने के बाद हम लोग बाल को हेयर कट करते हैं तो हमारे बाल को कोई पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता है, तो वैसे ही शेयरिंग करने के बाद एनिमल्स को कोई पेन नहीं होता है। और शेयरिंग करने के बाद एक एंटीसेप्टिक लोशन से उसे वॉश कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन का चांस ना हो। हमारा नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक है, सेकंड है स्कोरिंग। आपको पता है कि जो शेयर्ड हेयर होगा, जो भेड़ से आप बाल काटे हैं या किसी एनिमल से, वो काफी गंदा होगा, तो उसे एक टैंक में हम लोग रिमूव वॉश करेंगे डर्ट, जर्म, डस्ट को रिमूव करने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शेयर्ड हेयर आप अपने लैंग्वेज में लिखना, आप बुकिस मत बनो, मीन्स की जो किताब में लिखा आप उसे डायरेक्ट मत रटो। बस समझ लो पहले कि जब आप शीप का हेयर कट करोगे शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द डर्टी हेयर, जो गंदा बाल था शीप का उसने आपने वॉश किया एक टैंक में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टोरिंग। आजकल स्कोरिंग के लिए मशीन आ गया है, आप जानते हो कि आजकल जो दुनिया है वो मशीनी हो गया है और यहाँ पास पहले जो था लेबर ने ज्यादा मीन्स यूज करते थे, तो एक तरह से पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। ज्यादा मशीन के यूज से जो लेबर्स का जॉब है वो कम हो रहा है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग। इन द प्रोसेस द वूल इज शॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि अपने वूल को सेपरेट करते हैं, मेरा कौन सा वूल का लेंथ ज्यादा है, कौन सा छोटा है, मीन्स बड़े साइज के वूल को एक तरफ, छोटे वूल को एक तरफ, अच्छे क्वालिटी को एक तरफ, थोड़ा सा खराब क्वालिटी को एक तरफ, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। नेक्स्ट वन इज डाइंग। अब आप क्या करोगे कि जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें आपको काफी कम कलर मिलता है, मीन्स कि आप सिंथेटिक फाइबर में आपको बहुत चटक मटक कलर मिल जाता है, लाल, हरा, गुलाबी, पीला, नीला, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में लिमिटेड होता है कलर। तो नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे, इसे रंगते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइंग। द प्रोसेस इन विच आप फ्लीस को कलर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डाइंग। एंड उसके बाद हमारा है ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस कंटेनर्स ऑफ वूल आर पुट थ्रू रोलर्स टू स्क्वीज आउट एज मच वाटर पॉसिबल।
नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ नंबर में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो मॉइस्चर है उसे रिमूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। देन द वूल इज वेड एंड पैक इनटू बेल्स, उसके बाद वूल को पैक करेंगे, बेल्स बनाएंगे उसका, मीन्स 50 केजी का, 200 केजी का जो भी होगा, और उसे सैक में पैक करके बेचने के लिए भेज देंगे। द बेल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स वेयर दे आर प्रोसेस फर्दर, और बेल्स को मिल्स में भेज देंगे जहां उसका प्रोसेसिंग होगा। इसमें शायद एक दो पॉइंट मिस किया है, आप दूसरे बुक से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप होना चाहिए था, कार्डिंग होना चाहिए था। तो पहला आपका है शेयरिंग, स्कोरिंग, शेयरिंग है, स्कोरिंग है, उससे पहले था हमारा ग्रेडिंग, डाइंग, कार्डिंग भी होता है स्टेप। कार्डिंग में क्या करते हैं बता दूं मैं, यहाँ पे नहीं लिखा है कि कार्डिंग में जो आपका वूल है उसे आप पास करते हैं एक मेटल चीज से, जैसे हमारा बाल जब उलझ जाता है, हम लोग कंघी से साफ करते हैं, बाल को सीधा करते हैं, वैसे ही जो वूल फाइबर है वो कुछ कुछ टेढ़ा होता है, तो उसे सीधा करने के लिए एक मेटल चीज से पास करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स ये जो चैप्टर आपका है, यहाँ दो ही पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है आपका। पहला है हाउ वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम सीप, आप वूल को कैसे ऑब्टेन करेंगे सीप से। जो भी इसमें 5-6 स्टेप है आप उसे अच्छे से कम्प्लीट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ रहा है। डेट्स ऑल फॉर टूडे क्लास, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्क।